आपका फिर से मेरे YouTube चैनल इंडियन वर्ड्स ग्रुप में। दोस्तों आज बात करेंगे हम बजरी तोतों के बारे में, इनके कितने प्रकार के होते हैं और इनको क्या फीड की ज़रूरत होती है और इनका बिहेवियर कैसा होता है और इनकी ब्रीडिंग कैसे ली जा सकती है, बेहतर तरीके से इनको कैसे पाला जाता है, इनके बारे में आज कंप्लीट बात करेंगे। दोस्तों आज ये जनरली तीन प्रकार के होते हैं, वाइट जो नेचुरल कलर के होते हैं और पेट जिनमें तीन चार कलर होते हैं, रेड आइज जिनकी आँखें जो होती हैं लाल होती हैं। और बात करते हैं मेल और फीमेल की, तो मेल जो होता है उसकी चोंच जो होती है वो नीली होती है, फीमेल जो होता है उसकी जो चोंच होती है और वो उसकी जो चोंच होती है वो सफ़ेद होती है। और बात करते हैं इसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको देख के पता लगाया जा सकता है कि मेल है या फीमेल है। दोस्तों अब बात करते हैं इनके फीड की, तो फीड में दोस्तों इनको हम ऐसा खाना देना चाहिए जो बेहतर हो और हेल्थी हो और जो मतलब जिसके अंदर विटामिन और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। जैसे कंगनी दे सकते हैं, बथुआ दे सकते हैं और अलसी हो गया, सूरजमुखी हो गया, मेथी हो गया, धनिया हो गया, बथुआ हो गया, गोभी के पत्ते हो गए और हरी मिर्च हो गई, जैसे चोकर हो गया, चोकर में भी हम हल्का सा पानी मिलाकर इसे दे सकते हैं। और दोस्तों जैसे परमल होता है जिससे मतलब लोग खाते हैं, पानी में हल्का इसे भिगो कर भी दे सकते हैं और आप इन्हें दाल गेहूँ चना भी दे सकते हैं, पुदीना हो गया, हरी मिर्च हो गया, मटर हो गया, फूल गोभी हो गया, बंद हो गया, बंद गोभी हो गया, जई भी हो गया, वो भी आप इसे दे सकते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखें कि सर्दी के अंदर आप इसे पालक और धान ना दें, जिससे क्या लूज मोशन हो सकता है और इसके आप गजर मटर सनफ्लावर भी आदि दे सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसे दे सकते हैं, लेकिन आप ये याद रखें कि इसको वो वही चीज़ दें जो मतलब अकॉर्डिंग टू मौसम के हिसाब से ही जो चीज़ दें। अब बात करते हैं कि इनके मतलब दवाइयाँ और मेडिसिन के वगैरह के रिलेटेड, तो दोस्तों इस वर्ड्स को हमको पूरी साल विटामिन्स और मिनरल्स के लिए कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे समुद्री झाग हो गया, ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। और अगर बजरी तोते नहीं खाते हैं तो आप इसको मतलब समुद्री झाग हो गया इसको आप ऐसे ही दे सकते हैं, अगर इसको नहीं खाते हैं तो आप कोशिश करें कि इसको बारीक पीस लें, उसके बाद आप इसको दे सकते हैं। और दोस्तों आप इसको नमक दे सकते हैं और नमक जैसे काला नमक हो गया, सेंधा नमक हो गया, इससे क्या होता है कि ये एक बेहतर डाइजेशन के लिए होता है और दूसरी चीज़ ये पेट को साफ रखता है, तो उससे मतलब करता है और बीमारियों को दूर रखता है। और आप कैल्शियम के ब्लॉक, कैल्शियम ब्लॉक अगर इसको प्रोवाइड करते हैं तो इससे ये होता है कि इसकी जो इन्फर्टिलिटी मतलब बच्चे देने की क्षमता होती है बढ़ जाती है और इसमें ग्रोथ भी आपको देखने को बेहतर मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों इनके ब्रीडिंग, इनसे बेहतर से बेहतर ब्रीडिंग कैसे ली जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि जो हम ब्रीडिंग के लिए वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, बेहतर से बेहतर ही बर्ड्स हम लेकर आएँ। और ये हम जान लें कि जो हम बर्ड्स लेकर आ रहे हैं उसमें मेल और फीमेल कौन से हैं, हमको उसकी बेहतर नॉलेज होना चाहिए। और दोस्तों जब भी हम ब्रीडिंग करा रहे हैं तो ब्रीडिंग की एज जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। दोस्तों हमेशा याद रखें कि मेल जो है वो थोड़ा सा बड़ा एज का ही लेकर आएँ, तो उससे ज़्यादा मतलब वो ब्रीडिंग के लिए मादा को जल्दी तैयार कर लेता है। और दोस्तों हमेशा याद रखें जहाँ पर भी हम इनका अब ब्रीडिंग सेटअप लगा रहे हैं वहाँ हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखें कि वहाँ पर उसको हिलाए डुलाए नहीं, उसको ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें, उसमें छेड़छाड़ ना करें, उसको मतलब प्राइवेसी दें। और जैसे कि वहाँ बच्चों का जाना ना हो और कुत्ते बिल्लियों का जाना ना हो, और कम से कम हमें 3 से 4 पेयर रखें। 3 4 पेयर रखने में ये फ़ायदा होता है कि बर्ड्स को क्या होता है कि तन्हाई महसूस नहीं होती। अगर हम एक बर्ड्स रख देते हैं तो वो अकेला
अकेला फील करता है, फिर वो ब्रीडिंग पे नहीं आता, तो उससे दिक्कत क्रिएट होती है। तो हमेशा याद रखें, थोड़ा सा मतलब उसको प्राइवेसी दें और 3-4 पेयर रखें, और उसके बाद जब वो पेयर लग जाए तब उसे हम मटकी प्रोवाइड कर दें, और उसके बाद उसकी थोड़ा सा डाइट पर ध्यान दें। डाइट में आपको मालूम है कि विटामिन, मिनरल्स, सॉफ्ट फूड, मतलब आपको वो चीज़ देना है जो उसकी ज़रूरत है। ओके ठीक है दोस्तों, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए सलाम अलैकुम। देखिए कितने खूबसूरत बजरी तोते आप देख रहे हैं।